देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। चक्का जाम, लोग परेशान। रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर छत्तीसगढ़ में वाहन चालकों की हड़ताल लगातार देखने को मिल रही है। हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक ली है। मुख्य सचिव, सभी कलेक्टर, कमिश्नर इस बैठक में मौजूद रहे। आईजी और एसपी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली है। जरूरी चीजों की सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं। आवश्यक वस्तुओं की किल्लत नहीं होनी चाहिए, बात कही सीएम विष्णुदेव साय ने। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों की बैठक ली है और किसी भी चीज की आपूर्ति कमी ना हो, पूर्ति लगातार होती रहे, उसको लेकर निर्देश अधिकारियों को दिए गए। सीएम विष्णुदेव साय की बैठक जिसमें मुख्य सचिव को मौजूद रहे, इसके साथ साथ सभी कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी और एसपी भी मौजूद रहे। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली और सभी चीजों की सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। अंकुश, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त रायपुर से जुड़ गए हैं। अंकुश, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बैठक और इस बैठक में तमाम निर्देश वाले अधिकारियों को दिए गए हैं, आपूर्ति सुचारू बनी रहे, इसके साथ साथ किसी चीज की कोई किल्लत ना हो। देखिए, छत्तीसगढ़ में भी जो ट्रक ड्राइवर और जो बस चालक हैं उनकी ड्राइव हड़ताल का असर जो है वो देखने को मिला है। दूसरा दिन है हड़ताल का, उसके बाद हाहाकार जैसी स्थिति जो है बनते हुए दिखाई दे रही है। हमने देखा है कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की किल्लत, डीजल की किल्लत ना हो, इसलिए लोग जो है बड़ी तादाद में पेट्रोल पंप पहुंच रहे हैं और जो अपने वाहन है उनमें ईंधन डलाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को डर है इस बात का कि इस हड़ताल के कारण कहीं उनके गाड़ियों में डीजल या पेट्रोल नहीं रहेगा तो आने वाले समय में उनके रोजमर्रा के काम कैसे होंगे। कई तरह की परेशानियों से लोगों को यहां पर जूझना पड़ रहा है और परेशानियों के चलते सरकार जो है इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बैठक ली है। बैठक में तमाम डीजीपी की अगर बात कर ले तो सभी विभागों के प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव और सभी कमिश्नर सभी संभागों के मौजूद रहे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टर्स को भी इसमें जोड़ा गया था। कलेक्टर्स को जोड़े जाने का उद्देश्य यह था कि सब अपने अपने जिलों में ये सुनिश्चित करें कि जो जरूरी वस्तुएं हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे कि पेट्रोल डीजल से लेकर अब अगर सब्जियों की बात करें, दूध की आपूर्ति जो है वो भी सही समय पर होनी चाहिए और इसको लेकर कड़े दिशा निर्देश का असर जो है वो भी देखने को मिल रहा है। रायपुर में दो डिपो है, एक दो बड़ी कंपनियों पेट्रोल कंपनियों के दो बड़े डिपो में पुलिस तैनात की गई है। पुलिस की ड्यूटी है कि वो अपने संरक्षण में वहां से निकलने वाले जितने भी टैंकर हैं वो अलग अलग थाना स्तर तक उनको पेट्रोलिंग देंगे, तो ये एक व्यवस्था दी गई और इस व्यवस्था के चलते जितने भी पेट्रोल पंप है प्रदेश के अलग अलग इलाकों में उन सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की गाड़ियां पहुंच सकें ये सुनिश्चित कर दिया गया है। दूसरी, जिस तरीके से जो अफवाहें चल रही हैं उन अफवाहों पर रोक लगे, इसके भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एडवाइजरी जारी कर दी गई है और उस एडवाइजरी के हिसाब से अब तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे ऐसे ड्राइवर हैं जो इस हड़ताल में समर्थन नहीं दे रहे हैं। मतलब अगर हम कुछ पेट्रोल पंप, पेट्रोल या डीजल टैंकर के चालकों की अगर बात कर लें तो वो इस हड़ताल से कहीं ना कहीं अपने आप को दूर रख रहे हैं, लेकिन बाकी के ड्राइवर उनको रोक रहे हैं। कई जगह ऐसी खबरें मिली हैं कि पेट्रोल पंप से निकलने जो डिपो है वहां से निकलने वाले जितने भी टैंकर हैं उनको बाकी के ड्राइवर्स रोक रहे थे, रोकने की कोशिश कर रहे थे। कई जगह पर कोई अगर बस चालक बस चला रहा है तो उस बस पर पथराव जैसी स्थिति जो है वो भी पैदा होते हुए दिखाई दी, जिसके बाद पुलिस भी एक्शन मोड में आई है और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। और अब छत्तीसगढ़ सरकार का भी यही कोशिश है कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई स्थिति ना बिगड़े, लोगों के जो सामान्य जीवन है उस पर असर ना पड़े, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की गई और बैठक के बाद तमाम तरीके के दिशा निर्देश जो दिए गए हैं उस पर तत्काल प्रभाव से अमल करने की बात कही गई है। अब बारी आती है इस पूरी हड़ताल की, तो राज्यव्यापी अगर हड़ताल होती तो सरकार उसमें कुछ हस्तक्षेप करती, बातचीत करती, बातचीत करने के बाद उनको मनाने की कोशिश होती है, उनकी मांगों पर कोई विचार किया जाता। चूंकि हड़ताल राष्ट्रव्यापी है, पूरे देश भर में इसी तरीके के हालात हैं और देश भर में इसी तरीके के हालातों से निपटने के लिए केंद्र सरकार को डिसीजन लेना है। हालांकि कानून अभी आया नहीं है, लेकिन जो कानून का विरोध किया जा रहा है उस विरोध के तरीके का विरोध जो है वो भी कहीं ना कहीं होते हुए विरोध हो रहा है और हड़ताल का स्तर भी हमारी जब ट्रक एसोसिएशन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल का विरोध लगातार हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए अंकुश। तो अंकुश हमारे साथ हमारे सहयोगी थे, विस्तार से जानकारी दे रहे थे। हिट ऑन रन मामले के खिलाफ ड्राइवर